एक कली दो पत्तियाँ, नाजुक नाजुक उंगलियाँ तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियाँ रतनपुर बागीचे में। तो दोस्तों, आप सब क्या सोच रहे हो, मैं इस वीडियो में गाना गाने वाली हूँ? जी नहीं, मैं बिल्कुल गाना गाने की मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ये गाना तो गाए थे भूपेन हजारिका जी ने, महान संगीतकार भूपेन हजारिका जी। उन्होंने गाए थे रतनपुर बगीचे, यानी कि चाय के बगीचे के ऊपर ये गाना गाए थे। लेकिन आज इस गाने की बजाय इसलिए है क्योंकि मैं इस वीडियो में आज चाय के ऊपर दो लाइन आप सबको सुनाने वाली हूँ। कुछ दिन पहले, यानी कि विंटर सीजन में ही, मैं पॉकेट एफएम के लिए कुछ चाय की लाइन सुनाई थी जो ख्वाबों के ऊपर है, और वो लाइंस मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको वो लाइंस दोबारा सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए सुनते हैं महापात्रा के साथ एक कप ख्वाबों की चाय। हाय, मैं हूँ कियारिन महापात्रा, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। दोस्तों, अभी टाइम 10:30 PM और ये सर्दी का मौसम है, तो दोस्तों आप सभी को सर्दी का ढेर सारी शुभकामनाएं। यूं तो हमारे देश में सभी तरह के मौसम होते हैं, पर जिसमें एक सबसे प्यारा मौसम सर्दी का ही माना जाता है। इन दिनों में आसमान भी बहुत खूबसूरत होता है, ठंडी हवा भी चलती रहती है, और इस मौसम में एक कुल्हड़ गरम चाय और मम्मी की हाथ की गर्मा गर्म पकौड़ा, ओहो क्या बात है। तो दोस्तों, इस मौसम के अनुसार मैं कुछ लाइन्स आपके लिए लेके आई हूँ। पिज्जा में घोल रही है महक अदरक की, आज सर्दी भी चाय की तलब गर हो गई है। पिज्जा में घोल रही है महक अदरक की, आज सर्दी भी चाय की तलब गर बन गई है। आदाय तो देखिए जनाब, बदमाश चाय पत्ती की, जरा दूध से क्या मिली, शर्म से लाल हो गई। थोड़ा पानी रंज का उबालिए, खूब सारा दूध खुशियों का, थोड़ी पत्तियां ख्यालों की, थोड़े गम को कूट कर बारीक, हंसी की चीनी मिला दीजिए, उबालने दीजिए ख्वाबों को कुछ देर तक। ये जिंदगी का चाय है जनाब, इसे तसल्ली की काप में छान कर घुट घुट कर मजा लीजिए। तो दोस्तों, ये ख्वाबों की चाय आप सबको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ, और बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू।